Excuse me. Hi. Hi. आपसे बात हो सकती है दो मिनट? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती. आई नो आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानती, पर हम दोनों दिलनशीन को जानते हैं और बात उसी के हवाले से. आप दिलनशीन को किस तरह जानती हैं? बहुत लंबी कहानी है, क्यों ना कहीं बैठ के कॉफी पी जाए और बात भी वहीं कर लेंगे, इफ यू डोंट माइंड. All good. Let's go. Thank you. Please. मेरा भाई जो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह तक पहुंच गया, अपनी जान लेने पे तुला हुआ, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मतलब ही निकला है तुम्हारा प्यार. आप मुझसे चाहती क्या? बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहती हूँ. दिलनशीन की जिससे शादी हुई है वो मेरे ताया का बेटा है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो दौलत में बहुत खुश रहती है. मेरी ताई अम्मी बेचारी उसके नाज नखरे उठाती रह जाती है, और वो पूरे घर में दनदनाती फिरती है, ऐश करती है.
हम जैसों को तो वो कातिल में ही नहीं लाते। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती थी कि कहीं वो लड़की मेरे कजन के साथ भी बिल्कुल वैसा ना करे जैसा उसने आपके भाई के साथ किया। मेरा कजन भी इकलौता है, बिल्कुल आपके भाई की तरह। दिलनशीन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम साथ घूमते थे, फिरते थे, खाते पीते थे। तमाम गिफ्ट्स, मेरी सारी चीज़ें वो यूज़ कर दी थी, उसको काफ़ी गिफ्ट्स भी दे दी। लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? उसने मेरे भाई को फंसा दिया। Are you sure कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था? बाबरा? जी बेगम साहिबा। दिलनशीन आ गई है क्या? जी वो तो कब से आ गई है, अपने कमरे में है। ठीक। मैं उन दोनों की मैसेंजर थी, और आप जानती हैं सिर्फ मेरा भाई पागल नहीं था उसके, वो भी बहुत प्यार करती थी मेरे भाई से। सारा सारा दिन हमारे घर पे हमारे साथ होती, कहती थी कि उससे प्यार करती, महंगे महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरीज, जो चाहती थी उसको मिलता था। रियली? फिर उसका रिश्ता आया, अपने भाई को बताया, मेरे मॉम डैड नहीं माने, और फिर वही हुआ जो होना।